दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार। मैं आप सभी का एजुकेशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 2 सितंबर, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। पहला क्वेश्चन आज का है, 7-स्टार रेनबो स्कीम इज इन न्यूज इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन ए इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज हरियाणा। दोस्तों, 7-स्टार रेनबो स्कीम बेसिकली उस पंचायत को दी जाती है, उस ग्राम पंचायत को दी जाती है जिसको जो 7 स्टार दिए जाते हैं। बेसिकली उन 7 स्टार को जो अचीव कर लेता है उसको, उस पंचायत को रेनबो विलेज कहा जाता है। ये जो 7 स्टार हैं, सबसे पहला आपका स्टार है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए आपका गोल्डन स्टार दिया जाता है। गांव के विकास में सहभागिता के लिए सिल्वर स्टार दिया जाता है। लिंगानुपात में बराबरी के लिए पिंक स्टार दिया जाता है, जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन स्टार दिया जाता है। ऐसे ही स्वच्छता के लिए वाइट स्टार दिया जाता है, अपराध मुक्त के लिए सैफ्रोन स्टार और ड्रॉप आउट ना होने वाले ब्लीच के लिए स्काई कलर दिया जाता है। जिस भी ब्लीच को ये सारे के सारे 7 के 7 इंडिकेटर मिल जाते हैं उसको कहा जाता है रेनबो ब्लीच, जैसा कि रेनबो फॉर्मेशन में 7 कलर से बनता है। ऐसे ही उस पंचायत को या फिर उस ब्लीच को रेनबो ब्लीच कहा जाता है। यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है, मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड इज गिवेन इन विच फील्ड। ऑप्शन ए इज गवर्नेंस, ऑप्शन बी इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इज यहाँ पे स्टेटिक्स लिखना चाहिए था, स्टेटिस्टिक्स, ऑप्शन डी इज रिन्यूअल एनर्जी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज गवर्नेंस। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड में देश के कई जिला डीएम्स को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ये उनकी तस्वीर आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, 16 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वर फेलिसिटेटेड फॉर देयर वर्क एट द फर्स्ट इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड। तो देश के 16 DMs को इंडियन एक्सप्रेस के पहले एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से नवाजित किया गया। द अवार्ड वर हैंडेड अक्रॉस 16 कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी टू वुमन एंड डेवलपमेंट। अवार्ड 16 कैटेगरीज में दिया गया। ऑल्दो ओवरऑल ये गवर्नेंस के लिए दिया जाता, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर गवर्नेंस हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर भी उसका एक कंपोनेंट होता, बट यहाँ पे बेस्ट आंसर आपका गवर्नेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली दिंडुगल लॉक्स गेट GI टैग, दे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज कर्नाटका। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। द प्रोडक्ट द दिंदुगुल लॉक एंड कंदंगी साड़ी वर गिवन द GI टैग बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई ऑन थर्सडे। वाइल द एप्लीकेशन फॉर द लॉक वॉज मेड बाय दिंदुगुल लॉक हार्डवेयर एंड स्टील फर्नीचर वर्कर्स, लाइक इस दिंदुगुल ताले के लिए एप्लीकेशन इस दिंदुगल लॉक हार्डवेयर एंड स्टील फर्नीचर वर्कर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव ने किया, जबकि अमरार राजीव गांधी हैंडलूम बीवर्स कोऑपरेटिव प्रोडक्शन एंड सेल सोसाइटी लिमिटेड ने कंडगी साड़ी के लिए अप्लाई किया था। तो इन दोनों को ही GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया। उम्मीद की जाती है इनको जो GI टैग मिलने के बाद इनकी जो बिगड़ती हुई हालात थी उसमें इनका सुधार आएगा। यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे एक कितना अच्छा सा ताला आपका दिया गया, यही इसी ताले को आपका अभी GI टैग मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
इंटरनेशनल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज, यहाँ पे आपका इंटरनेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन बाय, ऑप्शन ए इज मैकमोहन, ऑप्शन बी इज रेडक्लिफ लाइन, ग्रांड लाइन, दूरंतो लाइन। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रेडक्लिफ लाइन, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा रेडक्लिफ लाइन। ऑल्दो आपको मैप में भी आपको मैं थोड़ा क्लियरली बताऊंगा, ये जो आपकी डार्क रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो डार्क रेड लाइन देख रहे हैं, ये थी आपकी रेडक्लिफ लाइन। ओके, ये आपकी बेसिकली इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इधर आपका इंडिया, तो ये एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये रेडक्लिफ ने बेसिकली डिमार्केट की थी, लेकिन बाद में चूंकि जो जम्मू एंड कश्मीर का नदर्न एरिया है, जिसे कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उसको पाकिस्तान ने इलीगली तौर पे ऑक्यूपाई कर लेगा, तो एक तरीके से एक सीज फायर प्रबंधन के तहत एक लाइन ऑफ कंट्रोल, ये अभी अभी ये जो लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, मुझे मिटाने दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में लाइक ये जो लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल लाइन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान 2 विल एक्सप्लोर विच पार्ट ऑफ द लूनर सरफेस, ऑप्शन ए सदर्न पार्ट, ऑप्शन बी इज नदर्न पार्ट, ऑप्शन सी इज ईस्टर्न पार्ट, ऑप्शन डी इज वेस्टर्न पार्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये लूनार के सदर्न पार्ट को एक्सप्लोर करेगा, ये आपका चंद्रयान 2 जो कि आपका अभी प्रक्षेपण के दौरान ये फोटो लिया गया है, ये बेसिकली चंद्रयान 2 आपका श्री सतीश धवन हरिकोटा सेंटर से लॉन्च किया गया था, और ये GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रीनेम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम विद व्हाट नेम इट विल बी नोन, ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन बी इज वीर सावरकर स्टेडियम, ऑप्शन सी इज वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ऑप्शन डी इज अरुण जेटली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी अरुण जेटली स्टेडियम, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इज सेट टू बी रिनेम्ड अरुण जेटली स्टेडियम आफ्टर द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हु पास्ड अवे लास्ट मंथ, अभी जो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइक फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको लाइक उन्हीं के सम्मान में इसको फिरोज शाह कोटला की वजह से अरुण जेटली स्टेडियम का नाम दिया जाएगा। द स्टेडियम टेक्स इट नेम फ्रॉम द 14th सेंचुरी फोर्टिस, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ फिरोज शाह हु बिल्ट द फोर्टिस, ये बेसिकली जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम 14th सेंचुरी के फिरोज शाह जो फोर्टिस बनाए थे उससे आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इस आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी, विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी शंघाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टोक्यो, टोक्यो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी विद एन एग्लोमरेशन ऑफ 37 मिलियन इनहेबिटेंट्स। दोस्तों टोक्यो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 37 मिलियन है, इसके बाद नंबर आता है दिल्ली की जिसकी पॉपुलेशन 29 मिलियन है, उसके बाद शंघाई का जिसकी पॉपुलेशन 26 मिलियन है, उसके बाद मेक्सिको सिटी एंड साओ पोलो आता है जिन दोनों की पॉपुलेशन 22 मिलियन इनहेबिटेंट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एजुकेशन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। इसके अलावा मैं अकेडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर अभी तक मैंने 13 कोर्सेज बनाए हैं जिनका एवरेज रेटिंग 4.9 है, तो अगर आपको इन केस अगर आपको मेरे अनअकैडमी के कोर्सेज भी देखने हैं तो मैं लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से